फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट फ्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ फ्री ट्रेनिंग के साथ साथ फूड, ड्रेस और जॉब भी प्रोवाइड कराया जाता है। इस फ्री इंस्टीट्यूट का मेन मोटिव है लर्न एंड अर्न, यानी पहले सीखो फिर कमाओ। ये इंस्टीट्यूट पहले आपको स्किल करेगी, फिर आपको जॉब प्रोवाइड करेगी। इन सब फैसिलिटीज़ के लिए इंस्टीट्यूट आपसे एक रुपया भी नहीं लेगी, यानी ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा। मैं एक ऐसे रियल और जेन्युइन इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको फ्री ट्रेनिंग के साथ साथ 100% की जॉब गारंटी भी देती है। दोस्तों, उस इंस्टीट्यूट का नाम है ICSEI एकेडमी फॉर स्किल। यह एक ICICI फाउंडेशन की तरफ से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसको ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। देश में कुशल मैन पावर बनाने के लिए और देश से बेरोजगारी खत्म करने के लिए इसकी शुरुआत 2003 में कर दी गई थी। धीरे धीरे यह एकेडमी ग्रो करती रही और 25 से ज़्यादा ऑल ओवर में इसके ब्रांच हो गए। यह एकेडमी 1 लाख लोगों को ट्रेन कर चुकी है। बेरोजगार लोगों के लिए यह इंस्टीट्यूट किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, आगे की वीडियो में मैं आपको इंस्टीट्यूट की सारी ब्रांच लोकेशन, एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप ICSEI एकेडमी फॉर स्किल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इसमें इंस्टीट्यूट की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ICSEI एकेडमी फॉर स्किल अपने यहाँ से ट्रेन हुए कैंडिडेट को 100% जॉब दिलाता है। अब तक ICSEI फाउंडेशन लगभग 1300 इंडस्ट्री पार्टनर के साथ कोलैबोरेट यानी साझेदारी किया है। इसमें टॉप कंपनी जैसे करवी डाटा मैनेजमेंट सर्विस, अपोलो हॉस्पिटल, माइक्रोवेव, हैवल्स इंडिया के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक जैसे टॉप बड़े बड़े ब्रांड शामिल हैं। यही कारण है कि जो भी यहाँ से एडमिशन ले लेता है उसको 100% जॉब मिल जाती है, क्योंकि इस फाउंडेशन के 1300 से ज्यादा कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन है। इस एकेडमी में कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपकी उम्र 18 से 30 के बीच होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के हैं तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगी। अगर आप 8वीं तक पढ़ाई किए हैं तो भी इस एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम इस ICICI एकेडमी के वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कहां कहां इस इंस्टीट्यूट के ब्रांचेज हैं और कितने तरह के कोर्सेज हैं। इसके वेबसाइट पे जाने के लिए हम अपने ब्राउजर के गूगल में सर्च करेंगे ICICI एकेडमी फॉर स्किल। जैसे ही हम सर्च करेंगे, हमारे सामने सर्च रिजल्ट ओपन होके आएगा। हम पहले वाले रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हम इसके होम पेज पे चले जाएंगे। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब हम ये देखेंगे कि इस इंस्टीट्यूट के ऑल ओवर इंडिया में कितने ब्रांच हैं। इसके लिए हम लेफ्ट साइड में मेनू बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कोर्स ऑफर पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। फ्रेंड्स, ICSEI एकेडमी फॉर स्किल में दो तरह के कोर्स चलाए जाते हैं, पहला टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल कोर्स में सेलिंग स्किल्स, रिटेल सेल्स, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव। दोस्तों, यहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था नॉन टेक्निकल कोर्सेज। अब देखते हैं हम टेक्निकल कोर्सेज में कौन कौन से कोर्स शामिल हैं। यहाँ पे 10 कोर्सेज चलाए जाते हैं जो टेक्निकल कोर्सेज हैं। इलेक्ट्रिक एंड होम अप्लायंस रिपेयर, रेफ्रिजरेशन एंड एसी रिपेयर, पंप एंड मोटर, इस तरह के कुल 10 कोर्सेज यहाँ से चलाए जाते हैं। आप यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं इस एकेडमी का वेबसाइट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सभी कोर्सेज अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से रखे गए हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे सेलिंग स्किल, रिटेल सेल्स और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए और आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30। और इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ है। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट के रूप में 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी और एड्रेस प्रूफ और लेटेस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो कि सारा डिटेल यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोकेशन सेंटर के कैटेगरी में दिए गए सभी सेंटर देख सकते हैं। यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि कौन कौन से कोर्स किस सेंटर पे अवेलेबल है। आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं तो उससे पहले आप ये चेक कर लें कि वो कोर्स नजदीकी सेंटर पे अवेलेबल है या नहीं। इस तरह कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप यहां से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी कोर्स अप्लाई करने या सेंटर पे जाने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुने। ये जितने भी लोकेशन आप सेंटर है, इनमें से कई सेंटर ऐसे हैं जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, यानी बॉयज वहां से कोर्स नहीं कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि हम कैसे पता करें कि कौन सा सेंटर सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो इसके लिए हम कोर्स ऑफर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने कोर्स डिटेल और लोकेशन सेंटर वाला पेज ओपन होगा। अब हम सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद हम देखेंगे यहाँ लिखा है फीमेल्स ओनली और स्टार मार्किंग की गई है, यानी जिस सेंटर पे ऐसा स्टार मार्किंग की गई है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। अगर आप मेल हैं तो इस सेंटर पे इंक्वायरी ना करें। जैसे भुवनेश्वर सेंटर पे स्टार मार्क की गई है, यानी ये सेंटर सिर्फ गर्ल्स के लिए है। उसी तरह की मार्किंग दिल्ली और लखनऊ सेंटर पे की गई, यानी ये सारे सेंटर गर्ल्स के लिए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए 2 तरीके हैं, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। चलिए हम ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस को देखते हैं।
इसके लिए हम होम पेज पे जाएंगे, फिर हम अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ट्रेनिंग इंक्वायरी वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। पहले ऑप्शन पे नेम के अकॉर्डिंग मिस्टर या मिसेस सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ट्रेनिंग नेम में अपना सही सही नेम फिल करें। फिर स्किल एकेडमी यानी आप जहां से कोर्स करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लें। आप अपने नजदीकी वाले सेंटर को सेलेक्ट करें। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लें। फिर आप अपना वैलिड मोबाइल नंबर इंटर करें। उसके बाद ईमेल फिल करें। एजुकेशन वाले ऑप्शन में अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। इसके बाद सबसे नीचे इंटरेस्टेड कोर्स यानी जो आप कोर्स करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लें। एग्जाम्पल के लिए मैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर दें। सेंटर से आपके पास कॉल आएगी और आगे की जानकारी दी जाएगी। फ्रेंड्स, ये तो था ऑनलाइन प्रोसेस। अब हम ऑफलाइन एडमिशन के बारे में जानते हैं। ऑफलाइन एडमिशन के लिए जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको वीडियो के बीच में बताया था उनके साथ आपको सेंटर पे जाना है और ये पता करना है कि बैच कब से स्टार्ट होगा और उसके एक दिन पहले आपको एडमिशन फॉर्म भर देना है। सेंटर पे आपसे कुछ नॉर्मल से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आपका नाम, पता, क्वालिफिकेशन और आप ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। सेंटर वाले ये जानना चाहेंगे कि आप सच में कोर्स करना चाहते हैं, आपको सच में इसकी ज़रूरत है। आपको सही सही आंसर देना है और फिर आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं ऐसे ही जॉब, कोर्स, करियर और अर्निंग और लर्निंग से संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।